आमिर खान और अमिताभ बच्चन ने पहली बार पर्दे पर साथ आकर इतिहास रच दिया। दोनों कलाकारों की फिल्म टग्स ऑफ हिंदुस्तान ने धमाकेदार ओपनिंग लेते हुए पिछले सारे रिकॉर्ड्स तहस नहस कर दिए हैं। फिल्म ट्रेड से जुड़े सूत्रों की माने तो टग्स ऑफ हिंदुस्तान ने किसी त्यौहार के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्मों में सबसे बड़ी ओपनिंग ली है। दिवाली के एक दिन बाद 8 नवंबर को रिलीज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल थी और ओपनिंग से लग रहा है कि फिल्म का वाकई इंतजार था। ट्रेड जानकारों के अनुसार ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के पहले दिन की कमाई 50 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। अगर ये अनुमान सही निकलता है तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ना सिर्फ इस साल की बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनिंग होगी। अब तक यह रिकॉर्ड शाहरुख खान के पास रहा है, जिनकी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने अराउंड 44 करोड़ का पहले दिन का कारोबार किया था। यह फिल्म भी दिवाली के मौके पर ही रिलीज हुई थी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड रखने वाली फिल्म का नाम है बाहुबली 2, जिसने 41 करोड़ का शानदार कारोबार किया था। जबकि अब तक तीसरे स्थान पर सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो है, जिसने 40 करोड़ का पहले दिन का कारोबार किया है और ये फिल्म भी दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। खास बात यह है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को समीक्षकों ने बेहद खराब रिव्यूज दिए हैं। धमाकेदार ओपनिंग के बाद अब आज के बिजनेस पर नजर रहेगी, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी से फिल्म का कारोबार प्रभावित हो सकता है। यशराज फिल्म्स निर्मित ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले आमिर खान के साथ धूम 3 जैसी कामयाब फिल्म बना चुके हैं। वैसे त्योहारों पर फिल्में रिलीज होने का चलन हमेशा से ही रहा है, फिर चाहे पिछले साल की बात हो या उसके भी पिछले साल की बात, हर बार त्योहारों के मौके पर बॉलीवुड के बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज होती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आगे भी कुछ इसी तरह का कारोबार करती है या फिर माउथ पब्लिसिटी की वजह से इसका कारोबार थोड़ा डाउन होता है।